गाइस अभी जा रहे हैं हम नीलकंठ ट्रैक पे, और हमारे साथ है रोहन भाई और ये है अमित भाई हमारे साथ दिख रहा है सामने बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से चले हैं, अभी चले हैं, 5 मिनट हुए अभी चले हुए। अभी जा रहे हैं हम नीलकंठ समिट की तरफ। परसों गए थे हम चरण पादुका तक, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से हम आधे रास्ते से वापस आए थे। आज हम पूरा जाएंगे, दिखाएंगे तुम्हें पूरा ट्रैक। सामने दिख रहा है ऋषि गंगा फॉल, ये ऊपर से ऋषि गंगा आती है नीलकंठ पर्वत से। यह है नीलकंठ पर्वत का रास्ता। चरण पादुका में जो है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पे। अभी जाना हमें 6 किलोमीटर आगे, यहाँ से बचा है 3 किलोमीटर। 6 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, 3 किलोमीटर बचा है यहाँ से नीलकंठ वाले। तो भैया यहाँ से हो गया रास्ता बिल्कुल ख़त्म, अब नहीं आगे कोई रास्ता दिख रहा। अब हमें रास्ता खुद ढूंढना है, खुद जाना है नीलकंठ बेस कैंप तक। पीछे तक रास्ता था, अब बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। देख सकते हो रास्ता फिनिश, ये दिख रहा है थोड़ा सा रास्ता, बस यही था, आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। चोटी पे भी धुंध आ चुकी है, थोड़ी सी ऊपर दिख रही है चोटी बस। अमित भाई ये है नीलकंठ बेस कैंप, पहुँच गए यहाँ पे 2.5 घंटे में, 2 घंटे से पहले पहुँच गया। सामने कुबेर पर्वत, नर पर्वत दिख रहा है भाई, व्यू देखो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा। नीलकंठ पीक नहीं दिख रही अभी, पर एग्जैक्ट यहीं पे ही है जहाँ पे बादल से दिख रहा है। ग्लेशियर टूटा है और ये आ रहा है पूरा ग्लेशियर, यहाँ से आ रहा है। यह हमारा लंच, थेपला और परांठे और अचार जो कि हम लाए नहीं, जैसे टपा के ये हमने कल शाम पैक कर दिए थे यहाँ के लिए। यो अभी खा रहे हम मजे से, अचार भी गिर गया है थोड़ा सा। सब दिखा दे पानी दरी से भरा है हमने, ठंडा है पानी भी दिखा दे, बहुत ठंडा पानी है भाई, धुंधला धुंधला पानी भी धुंधला हो रहा है, इसका ढक्कन भी नहीं मिल रहा है। ढक्कन मेरे हाथ में, ये पराठे हम पे पराठे, 3 पराठे और एक कच्चे चार की, सब बता दे सब। 2 पीस ये बच रहे के बस। रोहन भाई तो रस रस निकाल के खा रहा, बस और कुछ नहीं खा रहा, सारा चार खा दिया भाई, मैं क्या कहूँगा। ये बना रखा है बेस कैंप पे मंदिर, सामान रख रखा है। ये पत्थर दिख रहा है चरण पादुका की तरह, पर ये चरण पादुका नहीं है। यू देख सकता है, झंडे में लिखा है जय बद्री विशाल।